वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। तो अभी जो है सुबह सुबह मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ ये तो आप लोगों को व्लॉग में बने रहिएगा तभी ही पता चलेगा। मुझे नहीं पता था कि कहीं पे जाना ही है। मैं तो बस सिर्फ सो के उठी थी और मम्मी पापा ने बोला फटाफट से रेडी हो जाओ, तो मैं जो है रेडी हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने देवतों पे आए हुए हैं, उसके बाद जो है हमें मोदीनगर भी जाना है। आगे आगे आप लोग में बने रहिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ जाना है। तो हाय नीलम देवी। हाय, क्या हाल है भाई सबके। मेरे इयर रिंग्स मेरे ड्रेस से मैच नहीं हो रहे, लेकिन ये मम्मी ने मुझे सिर्फ इसलिए पहनाए हैं क्योंकि ये जो है सिर्फ एक ही बार मैंने पहने थे, उसके बाद फिर मैंने कभी पहने ही नहीं। तो आज जो है चाहे मैच हो या ना हो, मम्मी का जुगाड़ पहनना है तो पहनना है। बाल को हाय, आ जाओ। हाय हाय आ जाओ, हाय हाय। तुम सब यहीं पे ही रहो, ये इस वाले पट्टे पे ही, पीछे को बात कर, इस वाले पर, उस वाले पर, दोनों पे उनके पास जाके बात कर ले। उसका परिचय करवा दे, लौंडिया का हमारे लक्ष्मी का। कौन है लक्ष्मी? यू तो हो, अरे यू कितने साल की है? बात पूरा कुल पूरा कुल नहीं आना है, पूरा कुल जलता शर्मा रही है वो। शर्मा है जी। तुम 15 साल की हो? मम्मी बताओ है, हाइट हाइट कम है इनकी। सही है, बाल को जैसी तो लग रही है। ये ना बोल रहे बेचारे शर्मा रहे, नो कर रही होंगे यार, एक फैंसी दीदी आई ही वीडियो बनाती हुई। अच्छा अच्छा, तुम जानो मैं कौन हूँ? अरे मैं भट्टे पर ना थी, तू जानती ना। इस वाले भट्टे पर आओ, तुम दूसरे वाले भट्टे पर आओ। अच्छा तो ये के जान इनका झूला, मैं भी बैठ के देखो तो वहां झूल लो मैं। बालकों के जी की तो ले लो, क्या कहेंगे। तो ये जो है, ये जो साइड वाला भट्टा है ये वाला तो हम लोगों का ही है, और जो दूसरे वाला भट्टा है मतलब वो एक वो रहा। हमारे इधर ना भट्टे बहुत ज्यादा हैं। वो हमारे इस एरिया में कितने भट्टे हैं गांव के? गांव में 6-7 भट्टे हैं, भट्टे ईंटों के भट्टे 6-7। मंदिर में आए हुए हैं, ये शनि मंदिर है मोदीनगर से जो है थोड़ा सा आगे चल के ये मंदिर है। मैं यहाँ कभी पहले नहीं आई हूँ, मैं जो है फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। पापा जो है यहाँ पे आते रहते हैं तो उन्हें पता था, काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे जो है हम शनिवार को आए थे, और ये जो मेरा व्लॉग है ना थोड़े से आगे पीछे चल रहे हैं। संडे वाला व्लॉग आपको कल को मिल गया और शनिवार का व्लॉग आपको आज मिलेगा, बस यही गड़बड़ हो रही थी। तो इसी वजह से जो है कल से जो है ठीक टाइम पर आएंगे और ताज़े ही आएंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है पूजा वूजा कर रहे थे। शनिदेव की दाल होती है और तेल होता है, ये सब चीज़ें जो है हम घर से ही लेके आए थे। तो मम्मी जो है वो प्रसाद वरसाद चढ़ा रही हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी, जब कभी मैं अपनी गांव में जो हमारे मंदिर है, मैं अपनी ताई जी के साथ जाती थी शनिवार को वहाँ पर दिया लगाने,
तो ताई जी हमेशा कहती थी कि जो शनिदेव होते हैं उन्हें कभी आंखों में नहीं देखना चाहिए, आंखों मतलब पता नहीं क्यों नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो हमेशा बोलती थी कि शनिदेव की नज़रों से कभी नज़रें नहीं मिलानी चाहिए। तो वो क्यों बोलते हैं रीज़न, तो अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि शनिदेव की आँखों से आके नहीं मिलानी चाहिए। तो मम्मी जो है यहाँ पर दाल चढ़ा रही हैं, बत्ती लगाई है मम्मी ने, सरसों का तेल दिया है, और अभी जो है थोड़ा से प्रसाद जो है यहीं पे ही मिल गया था, तो हम लोगों ने जो यहीं पे ही जो है प्रसाद ले लिया। मैं चारों के चारों ही खड़े हैं, और हम लोग जो है मोदी नगर किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन हमें याद ही नहीं रहा कि आज जो है सैटरडे और संडे को जो है लॉकडाउन लगता है। मोदी ने जब मार्केट देखा ना सारा बंद पड़ा हुआ है, तब पता चला कि भाई ये तो लॉकडाउन लगा हुआ है। तो बस इसी वजह से यहाँ पे जो है पापा हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए हैं, उसके बाद अपने तिलक लगाएंगे, सागर को तिलक लगाएंगे। अच्छा लगता है ना कि कभी फैमिली के साथ ऐसे कहीं बाहर घूमने के लिए जाओ तो काफ़ी ज़्यादा मन लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। जब भी आप भगवान के मंदिर में जाते हो या उनकी पूजा करते हो तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती हैं वे सब ख़त्म हो जाती हैं, आप पॉजिटिव रहते हो। तो यहाँ पर जो है ये एक बरगद का पेड़ है, उस पर जो है जल चढ़ाते हैं, जैसे जैसे मम्मी कर रही थी वैसे वैसे मैं उन्हें देख के ही कर रही थी। अब वो मुझे बता रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, तो मैं जो है उसी तरीके से जो है कर रही थी। लेकिन यह माना जाता है कि इस पर जो है धागा बांधते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी कि यहाँ पे धागा बांध, जो तुझे मन्नत मांगनी हो वो तू मांग लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है ये, और यहाँ की जो है धागा बांधने से बोलते हैं ऐसे मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी आसपास इस मंदिर का हो तो मुझे बताना। मुझे लगा चलो अब ब्लॉग का एंड कर देना चाहिए। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ रहा है मेरे आज वाले ब्लॉग पे भी कमेंट आ रहा है कि मैंने फेस पैक में क्या क्या डाल के लगाया हुआ है। तो वैसे तो मैं अपने सेकंड ब्लॉग पे जो है प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी उसकी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ जब आप लोग इतना पूछ रहे हो। उसमें जो है मैंने हल्दी चंदन पाउडर डाला है, जो मैंने खरीदा था ना आप लोगों को याद होगा वो मैंने हल्दी चंदन पाउडर डाला था उसमें, और मैंने उसमें डाला था नींबू। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो तो वो नींबू को स्किप कर दें। उसमें डाला था मैंने शहद, एक चम्मच शहद, और उसके बाद डाला था एक आलू लीजिए, उसे जो है मिक्सी में पीस लीजिए, उसके बाद जो उसका सिर्फ निचोड़ के रस रस सा निकाल लीजिए, क्योंकि जो आलू का रस होता है ना वो हमारी स्किन ब्राइटनिंग करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जिनके डार्क सर्कल होते हैं ना वो जो पिसा हुआ नहीं रहता मिक्सी में पीस के जो आलू होता है उसे आप अपने आईज के नीचे लगा लेना, वो आपके डार्क सर्कल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और यही बस यही चार पांच चीज़ें जो है मैंने मिक्स करके लगाई थी, वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है। अगर आपकी स्किन पे जैसे किसी किसी के दाने हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो उसकी ब्लैकनेस, जैसे ये तो मेरे तिल है,
ब्लैकनेस रह जाती है तो वो जो है उसे भी ख़त्म करता है। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो नींबू को अवॉइड कर सकते हैं। मेरी स्किन का क्या है, मेरी स्किन जो है नेचुरल चीज़ें तो मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ, मुझे कुछ भी हार्मफुल नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे मैं कोई क्रीम लगाती हूँ, कोई भी बाहर का प्रोडक्ट लगाती हूँ तो वो मेरी स्किन को तो कुछ नहीं करता, लेकिन उससे क्या होता है मेरी आँखें दुखना शुरू हो जाती हैं, आँखें रेड हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी स्किन से ज़्यादा मुझे मेरी आँखों की परेशानी है। कोई भी चीज़ अगर मैं कोई हल्का सा भी केमिकल वाली चीज़ लगा लेती हूँ ना तो उससे मैं ना मेरी आँखें दुखना स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही मेरी आँखें दुखना स्टार्ट होती है मुझे तुरंत फीवर चढ़ जाता है। तो इसी वजह से मैं नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या मैं बाहर के भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो उनमें देखती हूँ कि वो नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बने हुए हों। तो आप लोग समझ गए कैसे कैसे मैंने बनाया था उस फेस पैक में, आलू का रस, हल्दी चंदन पाउडर और क्या नींबू शहद, ये चार चीज़ें डाली थी। अगर आप चाहें तो आप हल्दी चंदन पाउडर ना डाल के उसमें मुल्तानी का भी यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुल्तानी भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग में जो है उलट फेर हो गया, शनिवार वाला व्लॉग जाना था संडे को और संडे वाला व्लॉग जाना था मंडे को। तो शनिवार वाले संडे को चला गया अजमेरा फैशन वाली वीडियो और शनिवार का व्लॉग रह गया। फिर संडे मंडे वाला व्लॉग चला गया, संडे वाला व्लॉग चला गया मंडे को और शनिवार वाला व्लॉग जा रहा है आज। तो कल को आपको मैं कपड़े दिखाऊंगी, आज वाले व्लॉग पे कमेंट आने आपने कपड़े नहीं दिखाए, कल के व्लॉग में आपको पक्का मैं कपड़े दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो प्लीज़। बाय बाय।